यश दयाल, उनके सामने उमेश यादव, धीमी गति की ये बॉल डाली। अब तो यहां से मैच जीतना बहुत ज्यादा कठिन है। यह अच्छा शॉट है, ब्रिलियंट शॉट, ये रिंकू सिंह के बल्ले से आया एक और छक्का। अपने तरफ से तो पूरा प्रयास है, पर जो इक्वेशन है बहुत ज्यादा। हमने टेवटिया को देखा हुआ है 5 छक्के मारते हुए एक ओवर में, यहाँ पर ये एक हुआ है। अब फिर भी देखिए, जीतने के लिए मतलब 4 के 4 छक्के लगेंगे ना, 24 रन। फिर से अच्छा शॉट ये, और ये दूसरा छक्का है। मैच अभी भी बना हुआ है। यश दयाल के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा, लेकिन चलिए रिंकू सिंह ने फिर भी अभी भी केकेआर को मैच में बनाए रखा है। हमने देखा है ऐसी चीजें होती हुई, वर्ल्ड कप का वो मैच मुझे याद आता है जब बेन स्टोक्स गेंदबाजी कर रहे थे कार्लोस ब्रैथवेट को, तब भी हमने ये देखा है। देखना होगा ये, हाँ ये छक्का है। लीजिए 8-6 रन के साथ, सोच रहे हैं एक अच्छी गेंद करनी है, लगातार ये तीसरा फुल टॉस। और रिंकू सिंह पहले वास्कोल्ले के ऊपर से 6 रन, और ये लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। आसान नहीं है बिल्कुल। अच्छा शॉट ये, देखना होगा लॉन्ग ऑफ के हाथ पे, ऊपर से एक गेंद मात्र शेष, अब 4 रन चाहिए। रिंकू सिंह ने बहुत ही बढ़िया कारनामा करके दिखाया अब तक, नजदीक तो बहुत ले आए हैं ये अपनी टीम को। हैट्रिक भी हमने देखा, लास्ट बॉल छक्का लगा है कि नहीं, और मैच जीत गया ये, एक और छक्का। रिंकू सिंह की जबरदस्त बल्लेबाजी, ये अद्भुत है, ये कारनामा इसके पहले कभी भी नहीं हुआ होगा। 29 रन चाहिए थे और ये मुकाबला केकेआर ने 3 विकेटों से जीत लिया है। वेल प्लेड, क्या बल्लेबाजी की है यहां पर रिंकू सिंह ने।